मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बारिश हो गई है और धूप भी देखी चकाचक निकली है। बैठो, आप बैठो, ये भुजिया लेके आ रही है मैडम। ये देखो, अब तो उनका एवरीडे का हो गया है। सुबह उठेंगी, पॉटी करेंगी, फिर बिछ दो। हाँ हाँ, आप खाओ ना। अच्छा, बैठ के बात करूँ। पहले बुछ दे दो, यानी कि ब्रश दे दो उनको, फिर उसके बाद मैडम को चाहिए क्या? ब्रश के बाद मैडम को खाना है, ब्रश करने के बाद भुज्जी चाहिए और चाय चाहिए। ये हो गया मैडम का डेली का रूटीन। मुझे पता नहीं इतना स्वेटिंग क्यों हो रहा है, एक्चुअली अभी किचन से आई हूँ ना इसलिए शायद। हाय हाय गाइज। अच्छा, भुज्जी खा रही हो, बोल नहीं पा रही हूँ। हमें सिखा रही थी डाइपर, मम्मा डाइपर पाइपर खोलो, पाइपर बोले डाइपर खोलो, और मैं डाइपर खोलो, डाइपर खोलो, इनकी डायपर खोलो। आप खाओ खाओ, आप मैं पापा को उठाती हूँ, पापा उठे नहीं है। सो बाद मौसम अच्छा हो गया, अच्छा नहीं मतलब धूप है, हवा है और बारिश होके चुकी है। उधर का बादल देखो कितना प्यारा सा हो गया है ना, कितना अच्छा सा बादल हो रहा है। ऐसा ऐसा रुई का ना गद्दा बंडल बंडल जैसा लगता है, अच्छा लगता है सुबह सुबह। सो बस मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, तो जा रही हूँ मैं अपना ड्रिंक लेने और मॉर्निंग ड्रिंक। तो चलिए मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ड्रिंक क्या है, कैसा है, और बताते हो अभी एक मिनट रुके। और मैं कैसे ले रही हूँ, सो मैंने अपने डॉक्टर से पूछ भी लिया, अच्छा है, ऐसा बुरा नहीं है। तो मुझे लोगों ने बोला था ना, इसमें 23 ग्राम प्रोटीन है एंड 0 शुगर है एंड 5.5 ग्राम BCAA ऐसा कुछ है एंड प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन्स ओजीवा बी अ बेटर यू। ये है मेरे पास प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन्स, और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने मंगाया है ये अपने लिए। और बॉडी टोनिंग, मेटाबोलियम्स, स्किन एंड हेयर, और ये आधा किलो का है, मतलब स्किन और हेयर दोनों में वर्क करेगा, तो मैं तो इसको रेगुलर लेने वाली हूँ। एंड मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी ये, जो कि वुमेन्स हार्डली जिसे बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, मेरे जैसे जैसे बैक पेन रहता है, वीकनेस रहती है, या बेबी आपका ब्रेस्ट फीड कर रहा है एंड आपके बाल टूट रहे हैं जैसे मेरा भी निकल रहा है, एंड स्किन पे है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग ये कर सकते हो यूज़। एंड ये चॉकलेट फ्लेवर है, बट इसका जो टेस्ट है वो मैं सीरियसली बोलूँगी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी है, दवाई भी हम अच्छे होने के लिए खाते हैं, इतना गंदा भी नहीं। आप दूध में ले सकते हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप वाटर में लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है। एंड मेटाबोलियम्स ब्लैंड गुडीसी ग्रीन टी, आप किसी में भी ले सकते हो, स्किन एंड हेयर, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड बी विटामिन, कई सारे इसमें जो हैं विटामिन हैं, और आयरन की कमी भी पूरी करेगा। सो मैंने ये मंगाया था, तो इसका जो है परचेज लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। प्रोटीन एंड हर्ब्स ओजीवा का है ये, एंड आप इसको खाने में भी मिला के खा सकते हो चाहो तो। अगर आपका मन है पानी में नहीं लेना है, आपको वैसे क्या करना है, थोड़ा सा पानी में लेना है। मैं क्या करती हूँ, 200 ग्राम पानी में थोड़ा सा एक चम्मच समथिंग ऐड करती हूँ, मिक्स करती हूँ, उसको पी लेती हूँ। एंड अगर आप चाहो तो आप इसको खाने में आटे में मिला के भी खा सकते हो, और ऐसा तो मैंने नहीं खाया है, दूध में भी पी के ट्राई कर लिया मैंने कल रात को, और मॉर्निंग में भी है ना मैं इसको एवरीडे पानी में ही ले रही हूँ। सो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको लेती हूँ पहले। तो गाइज़, मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना ड्रिंक, ड्रिंक लाइक मेरा अपना प्रोटीन शेक, तो मैं इसको पानी में ऐड करती हूँ। तो ये पानी का जो है ये एक नेस्कैफे का शेक करने वाला जो है, हॉट मग है एक तरीके से, और इसमें अच्छे से अगर मैं पानी का लेती हूँ तो इसमें मैंने आधा चम्मच ये वाला जो है ले लिया है पाउडर, एंड इसमें मैंने पानी लिया है 200 ग्राम करीब, और इसको अच्छे से शेक कर लूँगी। वैसे ये हॉट कॉफ़ी का है, लेकिन इसमें अच्छे से मैं शेक कर लूँगी इस अच्छे से, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि शेक करके पीना, तो मैं अच्छे से इसको शेक कर लूँगी और उसके बाद साइड से इसको मैं जो है पी लूँगी। और इसको टेस्ट जैसे मैंने बताया ना के बराबर है, लेकिन अगर आप दूध में पीते हो चीनी शुगर वगैरह ऐड करके तो ठीक है,
लेकिन मुझे नहीं लगता शुगर से ही ज्यादा वर्क करेगा, विदाउट शुगर ही, इसमें जब शुगर दिया ही नहीं है तो विदाउट शुगर ही ये हमारी स्किन में जो है स्किन बॉडी के बॉडी में और स्किन में हेयर में जो असर करेगा। सो पूरा फिनिश कर देती हूँ, और मैंने आजकल मेरा डेली का रूटीन हो गया इसको पीना सुबह में, इसमें अच्छे से शेक हो जाता है, ख़त्म हो गया। और सो अभी हो गया है मेरा स्टार्ट रूटीन, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना क्लीनिंग। तो सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू लगानी होती है, सो वही बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे, एंड गाउन पहनी हुई हूँ और वही मैं काम कर लूँगी पूरा आज, क्योंकि किचन में ब्रेकफास्ट बना दिया था बस, बाकी का मुझे आज जो है नहाना, संडे है तो पूरा घर का क्लीनिंग करना है। पूरा घर का क्लीनिंग जब हो जाएगा आज मैं तभी नहाऊँगी पूरा अच्छे से करके, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ तो बाथरूम वगैरह भी पूरा जो अच्छे से क्लीन करना रहता है आज के दिन में संडे में। सो पूरा झाड़ू लगा दिया, झाड़ू के बाद मैं यहाँ पे अपना जो है कूड़ा को जो डस्टबिन है मेरा वो मैं पीछे रखती हूँ, एंड तो डस्टबिन बाहर रखती हूँ, झाड़ू भी मैं बाहर ही रखती हूँ अपनी। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में मुझे करने अपने बर्तन क्लीन, एंड पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि टेनी मैडम है हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। एक्चुअली मुझे सारा काम आज बहुत ज़्यादा काम हो जाता है संडे को, संडे मेरा एग डे हो जाता है, अंडे बन जाता है। सो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पूरा अच्छे से बर्तनों को धो रही हूँ, एंड टैनी को मैं हिलगा के रखती हूँ कि टैनी हिलगी रहे और मैं फटाक फटाक अपना काम कर लूँ। बट टैनी कभी कभी मेरा इतना नाक में दम कर देती है ना, वो मैं ही जानती हूँ। एंड लोग बोल जो बोलते हैं ये मत पहनो, ये मत करो, वैसा करो, ये करो, तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए, यहाँ पे आ गई हूँ मैं क्लीनिंग करने। तो यहाँ पे मिरर क्लीनिंग करना एंड वॉश बेसिन क्लीन करना। मिरर मैं यहाँ पे ये करती हूँ, निंजा क्लीनर है ये, मैं विशाल से लेके आई थी, ये कॉलिन नहीं है ना, स्क्रॉच बाइट है, ये है निंजा क्लीनर है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ, पहले तो मिरर जो है पूरा धुंधला होता है, फिर एकदम से क्लीन हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला। मतलब कॉलिन से भी मैं की हूँ अपने घर में, पर उससे क्या होता था अगर वो पेपर से साफ करना पड़ता था, लेकिन इससे फटाक से हो जाता है। सो अभी बस टैनी का ये भी कर रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, टैनी के जो कबर्ड है इसके ऊपर भी मुझे क्लीन कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है इस पर सबसे ज़्यादा जो गंदगी है ना वो बैठ जाती है, सबसे ज़्यादा गंदगी इस पर ही बैठती है। वैसे इतनी एक वीक में मैं साफ़ करती हूँ, इतनी बैठ नहीं पाती, लेकिन फिर भी ये है ना बाहर रहता है, कोई आए देखे तो अच्छा नहीं लगता। एंड एक को करते करते ना दूसरा काम बिगड़ गया, मेरा हाथ लग जाएगा और वो फटाक से नीचे गिर गया, और मुझे मतलब गुस्सा आता है जब मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और दूसरा काम बिगड़ जाना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है उस टाइम पे, बस पूछिए मत, बहुत गुस्सा आता है मुझे बहुत ज़्यादा वाला। बट क्या करें, काम तो करना ही है ना, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो म्यूज़िक की भी आवाज़ आपको आ रही होगी, बिकॉज़ आज संडे है और वो वहाँ पे ड्रम प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो बस वही हो रही है। और टैनी का तो पता नहीं क्या करती रहती है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये ऐसे करना। तो मैं यहाँ पे ना अपना स्विच बोर्ड की भी क्लीन कर रही हूँ, लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई, वो क्यों हुई, इस बोर्ड पे भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी से जम गई थी, और मैंने जब आई थी तब से क्लीन नहीं कर पाई थी मैं इसको, तो बस वो ही क्लीन कर रही हूँ। टैनू मेरे पीछे पड़ी हुई है, भुजिया दो भुजिया दो भुजिया दो, मैं उसको नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना है अपने किचन में, क्यों नहीं जाना वो अभी आपको पता चल। सो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना क्लीनिंग करने, और क्या है कितनी बार आती हूँ क्लीनिंग करने, मतलब इस रूम में भी आ गई हूँ मैं क्लीनिंग करने, और इसमें भी मिरर हैं जो इन पे स्पॉट वगैरह हो जाते हैं और नहीं निकलते हैं। रेगुलर इतना टाइम नहीं मिलता है कि सारा घर का काम कर लो और ये सब क्लीन कर लो, नहीं हो पाता है। एंड पता है सारे ब्लॉगर्स शांति में बैठ के ब्लॉग अपना वॉइस ओवर देते हैं, और मैं शोर शराबे में, क्योंकि मेरा शांति नाम का कोई चीज़ ही नहीं है मेरी लाइफ में, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है पता। और सारी चीज़ें क्लीन कर देते, रोज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं एक हफ्ता चुन लिया मैंने, एक दिन संडे, संडे को सारा मुझे करना है, चाहे कितना भी देर हो जाए, एक ही दिन का तो देर होगा ना, पर रोज करने के, और इतनी धूल भी नहीं होती है यहाँ पे कि मुझे रोज क्लीन करने की जरूरत पड़े, रोज के लिए इतनी धूल नहीं आ पाती है यहाँ पे। सो इसलिए मुझे ये एक चीज़ का फायदा है कि संडे को एक दिन करने से ना मुझे पूरे हफ्ते की क्लीनिंग अच्छी से जो क्लीन पड़ा रहता है मेरा घर। और टैनी की आप पायल की आवाज़ सुन रहे हो, छन छन, वो छन छन होती ही रहती है उसकी। यहाँ सेटअप बॉक्स मैं उठाई नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मुझे सेटअप बॉक्स से ना करंट लग गया था, इसलिए मैं सेटअप बॉक्स नहीं छूती। अभी आ चुकी है महाकाली वाली, मतलब मेरी झाड़ू पोछा लगाने वाली,
औरत को बोलते हैं देवी का रूप, सच में कितना काम करना पड़ता है ना, सच्ची में नाक में दम हो जाती है। बच्चा भी, झाड़ू भी, क्लीनिंग भी, पोछा भी, बर्तन भी, खाना भी, एंड ऊपर से ताना भी। सच बोल रही हूँ ना, सब सब मिलता है सुनने को, ताना, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, बर्तन, रोटी, सब कुछ। एंड पता नहीं कैसे ये सब मुझे मैनेज करना आ गया, कब मैं इतनी बड़ी हो गई, वरना मैं अपने घर में सिर्फ थोड़ा सा काम करती थी बस, कभी भी इतना सारा कुछ नहीं किया मैंने। और सीखते सीखते आज का ये दिन है कि सब मैनेज करना सीख गई हूँ मैं फाइनली। यहाँ पे मैं ना हाथ से बाल उठा रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत हो जाते हैं हमारे, गिरते रहते हैं कभी कभी तो, और ऐसे वाले फर्श पे बाल बहुत जल्दी दिखता है और पोछे में भी आ जाते हैं, तो बस वही कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं ना पैर, इनको मैं पैरदान बोलती हूँ, तो पैरदान यहाँ पे डाल, अभी आ चुकी हूँ कपड़े वॉश नहा के, टैनिंग को नहला के, हेयर वॉश करके, एंड साथ के साथ एक वीडियो भी शूट करना था हेयर के लिए, वो भी करके सारा कुछ करके आई हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये देखो मैडम आ गई हैं, तैयार हैं बिल्कुल नहा के, वो क्रीम का मुँह से खोल रही हैं, तीम तोलो मम्मा, तीम तोलो, तीम तोलो मम्मा, तीम तोलो, इनका यही लगा रहता है। सुबह सारे कपड़े डाल, छोटे छोटे कपड़े ना मैं इस हैंगर पे लगा देती हूँ टैनी के, तो अच्छे से सूख जाते हैं, बड़े से ना ऊपर रेलिंग पे डालने से ये लगता है उड़ ना जाए कहीं, और बच्चे के कपड़े उड़ जाए तो फालतू में अच्छा नहीं होता, तो इसलिए टैनी के कपड़े सारे मैं इस पे लगा देती हूँ, बड़े बड़े जितने भी कपड़े होते हैं रेलिंग पे डाल देती हूँ। और जो आजकल में ना ये इनका ये क्या बोलते हैं इसको, अंगूछा बोलते हैं, गमछा बोलते हैं यहाँ पे, तो ये गमछे को ना मैं सर पे बांध रही हूँ, इससे अच्छे से मेरा ड्राई हो जाता है यार, जितना टावल से नहीं हो पाता इतना अच्छा इससे हो जाता है। और मुझे मेरा बाल भी है ना ज़्यादा नहीं निकलता, टावल में बहुत ज़्यादा बाल निकलता है, इससे नहीं निकलता, मैंने ऐसा देखा है। और नहाने के बाद जैसे टोनर लगा के मैं फटाक से आ गई, होश भी नहीं रहता मैं क्या करना है क्या नहीं करना, सच में इतना नाक में दम हो जाता है ना क्या बोलो। बाल तो इतने दुबले होते जा रहे थे, लेकिन अब ट्रीटमेंट करने लगी हूँ बालों का, तब जाके बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं पहले जितना। ओके गाइस, सो अब हुई हूँ मैं फाइनली फ्री, और मैंने सोचा आज थोड़ा मेकअप शक किया जाए, बिकॉज आज संडे है और संडे को मेरा मन थोड़ा सा सज में संवरने को करता है। और टैनी मैडम पूरा, मतलब मैं तैयार होती हूँ उस टाइम पे ऐसे तहवाई कर देती है, मैंने स्किन केयर ही किया है फेस पे, कुछ कॉम्पैक्ट या बीबी सीसी क्रीम एंड ऑल कुछ नहीं लगाया, आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम नॉर्मल है, मैं आपको टिश्यू से भी पोंछ के दिखा सकती हूँ, बट इतना भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सो बस मैंने ऐसे स्किन केयर जो अपना करती हूँ वही सीरम एंड मॉइस्चराइजर एंड ऑल वही, और हेयर वॉश किया है, और मैं एक चीज़ और लगाने वाली हूँ अभी, एक कॉल आ गया था मुझे, मेरा पार्सल आने वाला है, मैंने मंगाया है कुछ प्रोडक्ट्स, तो बस आ रहे हैं कुछ बहुत सारे। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना, आई नो आप बोलोगे अच्छी लग रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं दिखती मैं यार। हाँ तो बस सारा आज काम कर लिया पूरा, क्लीनिंग हो गया, अभी टैनी को नहला के मैं रेडी होकर टैनी को सुलाया है, टैनी को मैक्सिमम मुझे आधा घंटा लगता है सुलाने में, सुला के फिर अपना चेक किया है क्या नहीं है, फ़ोन खोल के देखना पड़ता है, मेल्स चेक करने पड़ते हैं, एंड मैं एक चीज़ लगाऊँ दिखा रही हूँ एक मिनट, कैसी लग रही है मैं, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हूँ ना, बड़ी बड़ी, जैसे कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ एज अटेंड, ऐसा कुछ लग रही हूँ ना मैं, है ना, होता है मेरे साथ ऐसा, जब भी मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ तो ऐसी ही लगती हूँ। प्लीज़ मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है, बताना ज़रूर। और मैंने आज लाइनर लगाया है ग्रीन, एंड काजल लगाया है, एंड लिपस्टिक ये सब, और बस हो गई रेडी, और ये नीचे डाला है ट्राउज़र। सो बस ये हो गया पूरा संडे का क्लीनिंग होता है, जो मैंने आज आप लोगों को दिखाया है, कोई डिश वगैरह नहीं शेयर किया और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि रात का जो हम मैंने कल बनाया था खाने में, रात को डिनर में मैंने बनाया था सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, तो वो बची है तो उससे भात खा लेंगे, ब्रेकफास्ट में पोहा बना दिया था आज। और जो रात का है वो आज इनके जो क्लब में टूर्नामेंट हो रहा है कैरम का, तो ये वहाँ पर रहेंगे, वहीं पर खाना पीना है, तो बोले तुम्हारे लिए भी लेके आ जाऊँगा मैं कुछ ना कुछ, तो खाना मत बनाना, तो आज संडे की छुट्टी। एंड सारा काम मैंने कर लिया था, कल कपड़े वॉश वॉशिंग मशीन लगा दी थी, बट आज सारी क्लीनिंग करनी थी घर की, तो पूरी क्लीनिंग मैं संडे को ही ऐसे करती हूँ, पूरे मिरर विरर एंड सब चीज़ क्लीन करती, सब हो गया, अभी बस कुछ नहीं करना, भात बनाना है, थोड़े से पापड़ सेकने हैं, सब्जी को गर्म करना है, बस छुट्टी आज की।
और मैंने अपने बालों में क्या यूज़ किया है, मैंने जैसे कि बताया था मैं लास्ट टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो लास्ट टाइम मतलब मैक्सिमम 2-3 वीक्स हो गए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे अपने बालों में इम्प्रूवमेंट दिखा है, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सो बस मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी एंड एक DIY भी शेयर करने वाली हूँ मैं, अभी नहीं थोड़ा टाइम बाद, ठीक है। और सोच रही हूँ कि टैनी के चैनल पे थोड़े से मेकअप वीडियोस भी डाल दूँ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टैनी का चैनल मतलब ये भी टैनी का है, वो भी मेरे मुंह से ही निकलता है वो टैनी, मतलब अपने दूसरे चैनल पे मैं सोच रही हूँ थोड़े से मेकअप लुक क्रिएट करके डाल दिए जाए, क्या बात, क्या बोलते हो, बताना ज़रूर डालूँ कि नहीं, लेकिन मैं कैसे अजीब सी दिख रही हूँ, मुझे बहुत अजीब दिख रही ना, ऐसे दिखती बहुत अजीब सी लग रही हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर, पतिदेव आ जाए, उनसे पूछते हैं उनका रिएक्शन कैसे है, ठीक है। चलिए पतिदेव कम, ठीक है, बेल बजेगा एंड देखते हैं, ठीक है, क्या होता है रिएक्शन। बस लिफ्ट आ गया है, देखते क्या होता है, आ गए। अच्छी लग रही है, सच्ची बहुत दिन बाद लगाई है ना। ये देखो गाइस, अभी बात थी मेरी बनाने की और आज बना रहे हैं पति खाना। शॉपिंग कर लूं? नहीं नहीं कुछ नहीं करनी है, वो ऑलरेडी है, बस गरम कर लो। और क्यों करनी पड़ रही है ना किचन में काम, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। वैसे प्लान तो ये था कि मैं करूंगी, लेकिन विचारों को करनी पड़ रही है। ये देखो अभी एक और आई, सब बंद करना है। चलो मजा आ रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन गुड। कल भी खाना बनाओगे? बंद कर दो कुकर, कल भी बनाओ ना। चलो नहीं पड़ रही कुकिंग, क्योंकि आज हेयर वॉश किया है एंड जिन जिन लोगों का डाउट था क्लियर हो गया होगा कि दीदी कोई और बात तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरा जो मंथली होता है हम लोगों का वो और मेरा पीरियड आ गया है, और कब आ जाए कोई पता तो होता नहीं है, तो बस वही आ गया था अचानक। हेयर वॉश करने से मेरा ऐसा मानना है, जब भी हम हेयर वॉश करते हैं अगर हमारा आने वाला हो आसपास, जैसे हमारा डेट जो रहता है और हेयर वॉश कर लें तो बस वो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसी दिन आ जाता है, पता नहीं क्यों बिंदी निकलती जा रही है। सो बस इसी वजह से उनको किचन में करना पड़ रहा है, मैं किचन में नहीं जाऊँगी। और शुक्र है भगवान का, जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को ये जाने वाले हैं बाहर और 8-9-10 days के लिए, सो किचन में वो करें, कल भी कुकिंग वो करेंगे, तो आपको दो ब्लॉग में उनका कुकिंग देखने को मिलने वाला है मे बी। तो आज का तो हो गया हमारा, क्योंकि मॉर्निंग तो मैंने कर लिया एंड आफ्टरनून में सिर्फ उनको भात बनाना था एंड सब्जी मैंने बताई दिया था बनी हुई रखे, तो उसको गर्म करना, पापड़ वापड़ सेक लिया उन्होंने। और नाइट का उनका जो क्लब का है वहाँ पे कल जो बनाएंगे तब देखते हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे कल उनकी रेसिपी, ठीक है। सो चलिए खा लें, बहुत भूख लग रही है, बन गया है। सो गाइस फाइनली मेरा पार्सल जो है वो आ गया है, तो मेरे पास आया है मेरा पर्पल का सामान जो मैंने मंगाया है, एंड थोड़ा मैं मंगाती हूँ थोड़ा वो लोग भेजते हैं। तेनू नंगू पुंगू है ऊपर से और नीचे से भी, तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा हम मंगाते हैं थोड़ा हमें आता है, तो लोग बोलते हैं ना जैसे कि स्पॉन्सर, तो हाँ भैया इस काबिल हम पहुँचे हैं, तो स्पॉन्सर आता है, ऐसे ही नहीं है कि हर कोई बोल देता है हम लोगों को कि अपने स्पॉन्सर आता है स्पॉन्सर आता है। चलिए छोड़िए वो चीज़, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ पर्पल हॉल शेयर करूँगी, किस किस को देखना है तो पक्का मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं पर्पल हॉल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं तो तभी दिखाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मे बी आप लोगों को पसंद आए आज का ब्लॉग, क्योंकि पति ने कुकिंग किया, एंड अगर नेक्स्ट ब्लॉग देखना है तो भी वहाँ पर भी कुकिंग देखने को मिलेगी, वहाँ ज़्यादा मिलेगी। आज तो जस्ट छोटा सा डेमो है कि किचन में वो पहुँच गए, हाँ हाय कर दो भैया, नंगू पुंगू
जल्दी आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा, और हो सकता है जरूरी नहीं कुकिंग मिले, या कुछ अच्छा भी मिल सकता है। और पति की कुकिंग देखना तो नसीब वाली बीवी होती है जिनकी पति उनको खाना बना के देते हैं, है ना टेनो? टेनो आज पापा सुनो ना, पापा ने बस हो गया ना, अभी अभी चुप हो जाओ, ये सारा भर दो इसमें, इसमें भर दो टेनी, जाओ सारा लेके आओ उसमें भर दो, काम के लिए तो नहीं, और काम बिगाड़ना हो तो फटाक बिगाड़ लेंगे, हर चीज़ तो मुंह दे देंगे। सो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, ठीक है? और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड आज सच में अच्छा लग रहा है, देखो मैडम की कारिस्तानी है, दांत देखो चूहे से भी ज़्यादा पहने, मेरे को शोल्डर भी बहुत ज़्यादा कट कर चुकी है, बहुत ज़्यादा इधर भी कभी इधर भी, स्मृति जब आती तब काट जाती है मुझे, मेरा ब्लड निकल आता है इतना जोर से कट करके, कसम से बच्चा है उसको तो नहीं पता है। हाँ मम्मा ने ले लिया, रख दिया, ठीक है आप जाओ, चलिए बाय तेनू, बाय से बाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। ये नेल पेंट कैसा लग रहा है? लोगों ने बताया था अच्छा लग रहा है, पागल हूँ बाबा पूछ के, बाय।